नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश का गौरव है, मध्य प्रदेश की एक ऐसी बेटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, जिन्होंने स्कूबा डाइविंग में रिकॉर्ड बनाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारे साथ हैं मेघा परमार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा अभियान मध्य प्रदेश में बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, इस अभियान को किस तरह देखती हैं और अब जब आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं तो उसके बाद कितना लाभ बेटियों को मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केंद्र सरकार का था, उसके बाद हर एक राज्य में भी लागू हो गया ताकि बहुत सारे रूरल एरिया में बच्चियां निकलती हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं, कई बार स्कोप नहीं मिल पाता है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता है। हर चीज़ को उसमें इंक्लूड करके मेंशन किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट था कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही थी बहुत सारे एरिया में, फिर बच्चियों को पढ़ने से भी इतना ज़्यादा कैसे कहें कि मोटिवेशन नहीं मिल पाते थे, मोटिवेशन नहीं मिल पाते थे, तो ये अभियान स्पेशली बच्चियों के लिए किया गया। सो मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वो भी एक छोटा सा गांव है, भोजनगर, और जब मैंने माउंट एवरेस्ट समिट किया था और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनी थी जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया था, उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में घूमती हूँ, तो मैं अपने जैसी ही उन बच्चियों को महसूस करके समझ पाती हूँ कि वही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उनको नाम धरना। सो हम लोग कुछ बिंदुओं पर काम करते हैं। सबसे पहला आता है सेलिब्रेशन इक्वल, इसका अर्थ ही होता है कि हमारे गांव में आज भी ये है कि जब लड़के का जन्म होता है तो ढोल बजा जाता है और मिठाई बांटी जाती है, बच्चियों का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है और गुड़ बांटा जाता है। अच्छा। सो सेलिब्रेशन इक्वल मीन्स दोनों के टाइम आप एक जैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हुआ तभी आप थाली बजाइए और गुड़ बांटिए, या लड़की हुई तभी आप ढोल बजाइए और मिठाइयाँ बांटिए। तो सेलिब्रेशन इक्वल का अर्थ है जन्म से ही उसका उत्सव एक जैसा मनाया जाए, तो इक्वलिटी वहीं से आई है। सेकेंड आता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, बच्चियाँ और बड़ी होती हैं स्कूलों में जब भेजा जाता है तो बच्चियों को कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पे जोर दिया जाता है, बच्चियों को कहता है कि अरे ऐसे वैसे करके ठीक है थोड़ा पढ़ाकर जी। सो नहीं, यदि आपके घर में बच्चा बच्ची दोनों है तो अब वहीं से भेदभाव क्यों करना, दोनों को एक जैसी शिक्षा दीजिए, दोनों को एक जैसी रुचि दीजिए। और मेरे गांव पे पहले कहा जाता था कि छोरी के जात के सब काम आना चाहिए, तो वो लाइन मेरे पापा ने बचपन से चेंज कर दी थी कि छोरी के जात के भी सवाल होना चाहिए और छोरा की जात के भी सवाल होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चियों को भी रोटी बनाने के साथ साथ गाड़ी चलानी आनी चाहिए और बच्चों को भी रोटी बनाने के साथ साथ गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और दोनों को इक्वलिटी का जो शिक्षा और काम का भी बंटवारा एक जैसा कीजिए ताकि पता नहीं कब किसको कौन सी सिचुएशन मिल जाए। हाँ। फिर बच्चियां और बड़ी होती हैं, क्योंकि आपने पहला प्रश्न ही ऐसा दिया इसलिए इसका उत्तर मुझे इस तरह से देना पड़ा। बिल्कुल। सो सेकंड है, बच्चियां बड़ी होती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, फिर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, या पेरेंट्स इस वजह से सबसे ज्यादा डरते हैं। मतलब मेरे पापा भी बोलते थे कि बच्चियों को पैदा करने से माँ बाप नहीं डरते, उनके परवरिश के भय से डरते हैं कि अच्छी वो। और बच्चियों के जितने सारे केसेस आप देखते होंगे अखबारों में पेपर में, कहीं ना कहीं बच्चियां भी स्टेप नहीं ले पाती हैं। सो उनके अवेयरनेस पे काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हर जिले में जाती हूँ, 52 जिले हैं, पूरे 52 जिलों में जाती हूँ और वहाँ के हर एक आंगनबाड़ी हर एक गांव हर एक स्कूल और कॉलेजेस की बच्चियाँ जो होती हैं उनसे पर्सनली मैं बात करती हूँ, तो मुझे चीज़ें पता है कि बच्चियाँ सबसे ज़्यादा इस समय ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं और इस वजह से वो सुसाइड कर रही हैं, इस वजह से वो पढ़ाई जहाँ छोड़ रही हैं। सो उसका एक रूप पहला कदम ही सुरक्षा है, इसका अर्थ यह हुआ कि मम्मी पापा थप्पड़ मारेंगे मार नहीं डालेंगे, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए, ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस कंप्लेन भी कीजिए, और पहला कदम ही सुरक्षा है, उसको बोलिए कि आज बच्चियाँ पहले मैसेजेस से डरती हैं, फिर वीडियो से डरती हैं, फिर घर में भी यही होता है, पहले कोई गाली देता है फिर हाथ उठाना शुरू होता है, या पहले आपकी काम छुड़वाया जाता है, ऐसे ऐसे करके ही चीज़ें बढ़ती है। तो हर चीज़ का एक ही ऑप्शन है, पहला कदम ही सुरक्षा है, पहली बार में ही रोक दीजिए। फिर महिलाएं और आगे बढ़ती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरा जो मानना है कि महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं होता है। बिल्कुल। जितनी भी बच्चियों तक ये वीडियो पहुंचेगा मैं बोलूंगी कि
आपको अपने 10 रुपए के लिए पिता पति या पुत्र पर निर्भर ना रहना पड़े। कुछ भी काम करो, यदि मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ती और आज मैं बोलने के पैसे नहीं ले रही होती तो मैं भले कंडे बेच के 10 रुपए कमा रही होती पर मैं मेरा पैसा मैं अपना कमा रही होती। तो आपके हाथ में आपके डिसीजन पावर तब आते जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो उस पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं कि कुछ भी काम करो, कोई काम बुरा ही नहीं। दूध वाला भैया नहीं होता, दूध वाली दीदी भी तो हो सकती है। गाय भैंस रखो, आप गाँव में रहती हैं, उनको बेचवाने के लिए भेजो। तो ये ऑप्शन हैं हमारे पास जिनकी विषय में हम सोचते नहीं और हम रोते रहते हैं। और सबसे लास्ट चीज, हेल्थ इंश्योरेंस। महिलाओं के हेल्थ इंश्योरेंस ना के बराबर होते हैं और जब बीमारियां आती हैं तो सबसे ज़्यादा डेथ रेशो आप देखेंगे महिलाओं की और बच्चियों की होती है। बिल्कुल। सो कोई और आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराए ना कराए, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। भगवान ऐसा ना करे, पर भविष्य में यदि आपको कोई बीमारी होती है तो आप अस्पताल पहुंच जाएं आपके हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रख सकें। सो सब इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। और लास्ट जो चीज़ मिस कर गई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मैं सबसे ज़्यादा जोर और काम करती हूँ, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ टेबू की तरह देखा जाता है। बच्चे जब मेरे टाइम ही नहीं पता था, हम लोग सबसे मम्मी का जो फटा हुआ टॉवल हुआ, पापा का सबसे गंदा वाला अंडरवेयर हुआ वो यूज़ करते थे। सो बच्चियों को पता हो कि मेंस्ट्रुअल कप होते हैं, टैम्पोन होते हैं, सैनिटरी पैड होते हैं। सैनिटरी पैड यदि आपके घर में उपलब्ध ना हो तो कपड़े को अच्छे कपड़े को यूज़ करना, वरना क्योंकि गर्भाशय के कैंसर भी इसी वजह से होते हैं। सो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैं पूरे राज्य में काम करती हूँ और घूमती हूँ ताकि सभी इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। सो मैं ये कहूँगी, हम तो हमारा काम करते हैं पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस के साथ साथ मेंटली लोगों का भी मेंटलिटी चेंज होने का थोड़ा सा अभी उतना नहीं है, उसमें बहुत अभी आवश्यकता है। आपने कहा कि राज्यों में घूमती हैं, अलग अलग जिलों में जाकर, आंगनबाड़ियों में जाकर लड़कियों से खुद पर्सनली बात करती हैं, तो मैं आपके क्षेत्र की बात करूँगी। एक अब रोल मॉडल आप बन चुकी हैं, इतनी सारी उपलब्धियाँ और इस बड़े अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होना वाकई बड़ी बात है और इसमें लड़कियों को मोटिवेट करना एक बड़ी बात है। तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह देखती हैं, क्या बदलाव हुआ वहाँ पर? क्योंकि आपने बताया कि आप जिस क्षेत्र से हैं पहले, वहाँ पर किस तरह से आपकी फैमिली में तो चलो का शुरुआत से ही बढ़ावा दिया गया। ऐसा नहीं है, देखिए फैमिली में भी बहुत शुरुआत से बढ़ावा नहीं दिया गया, तो अपने क्षेत्र में किस तरह देखती हैं, क्या बदलाव हुआ अभी वहाँ पर? ओके, सो मेरा माउंट एवरेस्ट कभी मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं हुआ, और सब बच्चियों का हुआ। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे अकेली नहीं थी, पूरे राज्य की बच्चियाँ थी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की नहीं थी, वो सारी बच्चियाँ एक साथ थी जिनके कदम वहाँ पहुँचे। अंतर ये आया कि मेरे पापा को और मेरे को बहुत सारी बच्चियों के पापा और वो फ़ोन करते हैं कि पहले हमारी छोरी के हम लगता था कि बस 12वीं कर दा या फिर बीए बीकॉम करा दा, सेफ साइड देखते थे। बट मेरे अकेली के माउंट एवरेस्ट करने से ये जब ये चेंजेस आ सकता है कि बच्चियाँ अब उनके पसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर रही हैं, वो खेलने अपने पसंद से जा रही हैं। मेरे पापा को जब उनकी बच्चियों के पापा फ़ोन करते हैं ना, मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि अभी तक कुछ नहीं है। तो मेरा एक अचीवमेंट से इतना चेंज आ सकता है, तो जब हज़ारों बच्चियाँ कुछ अलग अलग करेंगी तो सोचो कितनी बच्चियों के जीवन में चेंज आएगा। जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर यदि आप कहोगे तो बच्चियों को 12वीं तक साइकिल से भेजने में लोग डरते थे, तस्वीर क्या नहीं चाहते थे। तो वो उदाहरण देते कि अरे उनकी छोरी तो पहाड़ पर चली गई, वह भी अकेली चली गई, तम भी जाओ साइकिल से जाओ पर स्कूल में मतलब 12वीं करो, हो सके तो मैं वहीं से कहीं ना कुछ समझ में आएगा। तो बहुत बड़ा बच्चियों को प्लेटफॉर्म मिला, पर मैं बच्चियों को भी डरा के भेजती हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दिया कि खुला आकाश वहाँ है, पर ये समझो बाज भी वहाँ है। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो आज़ादी मिली है उसका आप सदुपयोग करें, तो ये चीज़ भी मैं हमेशा कहती हूँ। आपने ये बताया कि खुद लड़कियों से आप बात करती हैं, उनसे बात करने पर क्या समझ में आया कि क्या सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? एक आपने ब्लैकमेलिंग का बताया, उसके अलावा किस तरह की कठिनाइयों का सामना लड़कियां कर रही हैं अभी भी? ओके, सो जो मैंने आपको बताया कि इस समय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बच्चियों को होना बहुत ज़रूरी है। बच्चियाँ 12वीं भी कर रही हैं, बीए बीकॉम भी कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं यदि हम बहुत बड़े स्तर पर देखें तो सरकारी नौकरियाँ उतनी नहीं है, और पेरेंट्स भेज देते कि जाओ सरकारी नौकरी तैयारी करो, ये करो वो करो, पर आपको अपने अंदर भी देखना होगा कि आप तो पहले सबसे पहले देखोगे आप किस सरकारी नौकरी के लिए बने हुए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सही इंस्टीट्यूट को चुनो। कई बार हम बुद्धू बन जाते हैं, गाँव की स्पेशली बच्चियाँ आती हैं, सो सही इंस्टीट्यूट में आप पहुँचो, वहाँ रियल में और बच्चे निकले हैं उसको एनालाइज करो। ऐसा ना हो कि आप कहीं गलत इंस्टीट्यूट में पहुँच जाएं और आपके हाथ में ना पापा का पैसा बचे, ना आपका भविष्य बचे और आपका समय बचे। सो ये मिडिल एज के बच्चों में मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा, जिन्हें परमिशन भी मिलती है पर वो एकदम समझ नहीं पाते कि कहाँ जाना है।
तो जैसे मैं आज अभी कौटिल्य की रीवा के उस के संस्थान में आई हूँ, ब्रांच में आई हूँ, बघेल भैया को मैं पर्सनली जानती हूँ. सो मुझे ये पता है कि वो इंस्टीट्यूट ये बताएगा कि तुम रियली में किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो. तुम्हारा शरीर का मापदंड बहुत अच्छा है, तुम एसआई की तैयारी करो फिजिकली और मेंटली. यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें वनों से प्रेम है तो तुम फॉरेस्ट ऑफिसर या रेंजर की जो तुमको तैयारी करनी है वो करो. सो पर्टिकुलर उन्होंने बच्चों को भी बांटा है कि असलियत में वो क्या बनाए. कई बार ढेर सारे एग्जामों की बच्चियाँ तैयारी करती हैं और वो कहीं के नहीं रहते. सो मेन मैंने ये देखा है कि बच्चियाँ कन्फ्यूज रहती हैं और समय चला जाता है. तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात देख रही हैं, जैसे लोअर मिडिल क्लास हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं जहाँ पर इस अभियान की जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेटियों को बढ़ाने की, उनको पढ़ाने की, तो वहाँ पर क्या स्थिति देखती हैं? स्थिति तो हम यदि कहते हैं कि हमारा पूरा भारत का सब हृदय प्रदेश या सब कुछ भारत के गाँव में बचता है, पर स्थितियाँ सबसे ज़्यादा ख़राब भी वहीं हैं. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पापा मम्मी की आज़ादी से भी बड़ा एक शब्द होता है नाम धरना. ये शायद आपको कैसे समझो, नाम धरना मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बोलते हैं लोग, बोलते हैं लोग ऐसा कहेंगे, हाँ हाँ, ये ऐसा करेंगे, वो चार लोग ऐसा करेंगे. शहरों में क्या होता है कि आपको फिर भी एक्सपोजर मिल जाता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है. गाँव में वो ताने आपको आगे नहीं बढ़ने देते, छोटे छोटे से ताने. और बच्चियों के लिए स्पेशली सो वो ज़्यादा बच्चियाँ फेस करती हैं और वो रुक जाती कभी कभी उन तानों से डर के. तो जो नाम धरना इन्होंने बताया, इससे निकलने के लिए कोई एक चीज़ तो बताइए लड़कियों को, क्योंकि अभी भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें वो माहौल मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो माहौल नहीं मिल पा रहा है अभी भी लड़कियों को. तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को हटा कर अपना जो भी उनका फील्ड है, जो भी वो बनना चाहती हैं आगे, उसमें वो कैसे आगे बढ़े? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पेरेंट्स को अपने हक में रखिए, है ना. कभी भी वो काम मत कीजिए जो आपको पापा को मम्मी को बताने में शर्म आए. तो हमेशा वो काम कीजिए जो आप हक से करो. दुनिया तो नाम धरती रहेंगी, उनका काम है. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके पेरेंट्स. मेरे साथ यदि मैं कुछ करती हूँ, लोग तो 10 तरह बोल देते हैं मेरे पापा को, उनकी छुरी तो पहाड़ जाती फिर कहीं हुए इन सब क्यों करने से. पर मेरे को ये पता था कि मेरे पापा मेरे पास सामने खड़े हैं और मुझे कभी भी ऐसा कुछ काम ऐसा लगा नहीं कि मेरे को अपने पापा को बताने में शर्म आएगी कि मेरे को माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है. तो हर वो काम यदि तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताने में और छिपाने लगती है, वो काम गलत है. सो पेरेंट्स साथ है तो दुनिया तो जाए, कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो दुनिया आपको भी ताने देंगी, वही कुछ बन जाओगी तो आपके बगल में खड़े होकर फोटो निकलवाएगी और सेल्फी भी निकलवाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो कहीं जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो निकलना पड़ेगा और पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा. माउंट एवरेस्ट से के बाद स्कूबा डाइविंग, ब्रांड एम्बेसडर, ये जो पूरा सफ़र है, इस सफ़र में कुछ ऐसी रोचक चीज़ें जो आपको लगती हैं कि आप शेयर करें, क्योंकि प्रेरणा तो आप बहुत सी लड़कियों के लिए बन गई, कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप बताना चाहती हैं? रोचक कैसी रोचक, जरा थोड़ा सा और मतलब मैं ये जो आप जब भी आप अपने सफ़र को सोचती हैं तो कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आती हो. सो मैं अभी भी वैसी ही हूँ, धुर गाँव की, बहुत कंजूस हूँ, बिल्कुल नहीं बदली हूँ ये समझ सकते हैं आप. यदि मुझे दिल्ली में बहुत बड़े प्रोग्राम में भी बुलाया जाता है तो मैं बहुत बहुत कम ऐसा शेयर करती हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो पैसा तो आपकी मेहनत से कमाया हुआ होता है ना. तो कभी भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए. आप कहीं भी पहुँच जाओ, हवा में बहुत ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको आना तो उसी धरती पर है ना. सो मैं ये किस्सा आपको बता रही हूँ कि मेरे कई साथ के लोग मेरे को बहुत कंजूस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहला तो स्लीपर क्लास में सफ़र करूँ, क्योंकि वो मेरा पैसा मेरी टिकट के लिए जाएगा. यदि कोई दूसरे भी करते हैं तो मुझे लगता है स्लीपर यदि बहुत यदि मौसम का बस वो है तो AC 3 के बाद मैं अपना वो क्लास नहीं बढ़ाती हूँ. मुझे ये पता है कि मैं उसमें जीवन भर में सफ़र कर सकती हूँ. तो कभी को भी इतना अति भी कम्फर्टेबल होना चाहिए कि आप किधर के भी नहीं बचो बाद में. सो वो मुझे बहुत अच्छे से पता है. दूसरा, यदि बहुत बड़े कार्यक्रम में मुझे दिल्ली में बुलाया जाता है या कहीं भी बुलाया जाता है, सो मैं वहाँ के स्टेशन पर उतरती हूँ, वहाँ का VIP जो वेटिंग रूम होता है वहाँ का वॉशरूम मैं शावर करती हूँ, उस प्रोग्राम के लिए बकायदा रेडी होती हूँ और मैं जाती हूँ और मैं हमेशा होटल का पैसा बचाती हूँ. सो ये माउंट एवरेस्ट हुआ या ब्रांड एम्बेसडर या कुछ भी हुआ, मैं कभी भी ये चेंजेस अपने जीवन में नहीं लाती. और अपने गाँव जाने के बाद मैं कभी भी अपने मम्मी पापा से सिटी की लैंग्वेज या ऐसी बातें नहीं करती हूँ जिसमें वो अनकम्फर्टेबल हो. अपने पेरेंट्स, आप कहीं भी पहुंच जाओ, हैं तो वो आपके पेरेंट्स, उन्होंने आपको बनाया तो उनको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए. अपने क्षेत्र की जो भाषा है, क्षेत्र की भाषा, या मेरे पापा मम्मी को एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाने के बाद खाना खाने में प्रॉब्लम हो रहा था. तो मेरा ये था कि
क्या हुआ, इनको क्या देख रहे हो, वो आपको देखने के लिए आए हो, जैसे आपको खाना है बैठ के खाना है वैसे खाओ, उनके लिए चेंज नहीं होना, लोग अपने लिए चेंज हो जाएंगे। तो ये अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़नी है बस। रीवा में आप आई, कौटिल्य अकेडमी के रीवा ब्रांच में प्रोग्राम में आप शामिल हुई, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत पोटेंशियल है आप लोगों में। हमें आज ही बता रही थी सर को कि टीटी नगर स्टेडियम में बच्चे आते हैं इसी विंध्य एरिया से, बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र लगता है, बच्चों को पता होता है कि एक ही मौका उनके पास है। और जब मैं ग्राउंड में उनको दौड़ती हूँ ना, मैं जब माउंट एवरेस्ट की तैयारी करती थी, मुझे हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना होता था, तो मुझे पता है कि दौड़ते समय क्या ऐसी जान निकलती है। जब मैं ग्राउंड में देखती हूँ तो सबसे आगे विंध्य के बच्चे होते हैं, वो ऐसी जान लगा के दौड़ते हैं, तो अवसर मिलने के बाद वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। तो बच्चों को मैं यही कहूँगी, बिलीव योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में केवल आपको नौकरी करने, पैसा कमाने, इन चीज़ों के लिए नहीं भेजा है, इस दुनिया में बहुत कुछ है। तो इस दुनिया में देख इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि शायद तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है बर्बाद करने को। तो हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, और कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा होती है ना हम लोगों को, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो कभी भी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना, उससे तजुर्बा मिलेगा, गलतियाँ करने से बचोगे। और एक हर चीज़ हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में तुमको सिर्फ इस दुनिया को खूबसूरत करने के लिए और ढेर सारा प्यार बांटने के लिए भेजा है, यही मैं कहूँगी बच्चों को। मध्य प्रदेश की और ख़ासकर विंध्य की लड़कियों के लिए कुछ एक संदेश जो आप देना चाहती हैं? अरे बच्चियों के लिए मैं क्या कहूँ, मैंने जो आपसे पहले कहा था कि कभी भी आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हो, पहले तो खुद को वीक समझना बंद कीजिए। कभी मत सोचिए कि अरे मैं लड़की हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये हूँ, आप अकेली मानव हो ये समझो। यदि आप दुनिया में किसी मानव को ला सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए मैं बच्चियों को बोलूँगी, स्पेशली बच्चियों को, कि अपना टारगेट डिसाइड करो। केवल जीवन में इसलिए नहीं आए कि हम आए, खाना खाया, घर पे रहे, ये घर संभाला, घर संभाला, ये भी ज़रूरी है, पर 50-50 जो मैंने पहले कहा था, दोनों को संभालना है, अब दोनों को साथ में बढ़ना है। तो आप अपना टारगेट डिसाइड करो, लग जाओ, बिलीव योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, और लगे तुम्हें तो आसपास के एरिया का माहौल भी बदल दो। तो पहले खुद को बदलो, यदि तुम्हें कहीं भी वीकनेस पॉइंट लगता है तो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, और लोगों की भी तरक्की करवाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि घमंड बिल्कुल नहीं लाना है, तो आपको कभी किसी की लाइन भी नहीं काटनी। और मेरे को माउंट एवरेस्ट ने जो सीख दी थी, मैं इससे पहले ईर्ष्यालु थी, सोची थी ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा, जो मुझे बदल दिया। तो आप एनर्जी वेस्ट करते हो आसपास इसकी बुराई उसकी बुराई में, स्पेशली गर्ल्स। सो अपनी लाइन बढ़ाइए और कभी किसी की लाइन मत काटिए, और साथ में दूसरी लाइन बढ़ाने की कोशिश करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी चीज़ें इस अभियान के साथ जुड़कर लड़कियों को आगे बढ़ाने की जो कवायद शुरू की गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। तो उम्मीद है कि आज हमारी जो बात हुई है मेघा जी के साथ, उससे बहुत सारी प्रेरणा विंध्य की लड़कियों को मिले। जिस कार्यक्रम में वो जुड़ी, वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें इन्होंने शेयर की अपनी, और अब हमारे कार्यक्रम के थ्रू जो चीज़ें शेयर की, तो उम्मीद है कि लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। जिस तरीके कल बच्चियाँ आएंगी और उनके पेरेंट्स भी आएंगे, ताकि हम आमने सामने ढेर सारा इंटरेक्शन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह की तमाम चीज़ों को देखने के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।